कांग्रेस का लहर है? लहर तो वैसे कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, पर हम बीजेपी को देके आ गए। आपका बात सही है, आपका आपके इच्छा आपका अधिकार है किसको दे, लेकिन एक लहर रहता है इसलिए आपको पूछे है। वोट देने जा रहे हैं जी, माहौल कैसा है अभी? माहौल तो जबरदस्त चालू है। कैसा, किसका माहौल है अभी? आपके सामने दो कैंडिडेट है, बीजेपी के जाए, बीजेपी के है अरोरा में, अपने गांव का आदमी मुनगंटीवार, मुनगंटीवार उनका माहौल है। चलिए भैया शुक्रिया। किसका लहर है? धनोरगढ़ भाई का लहर। धनोरगढ़ भाई का है बिल्कुल। क्यों मुनगंटीवार क्यों नहीं? उन्होंने विकास नहीं किया, विकास जातिवादी जो भी राजकरण किया वही किया। अच्छा जातिवादी कर रहे हैं। तो पास कोई मुद्दा है, किस मुद्दे पे जा रहे हैं वोट देने के लिए? तुम्हारे को अभी तो मालूम ही है कि क्योंकि जो भी नौजवान है नौकरी के शोध में, नौकरी किसी को लग रही नहीं है, नहीं लग रही, सब परेशान है। जो कांग्रेस का कार्ड था वहाँ पे नौकरी थी, वहाँ पे रोजगार था, जो भी था सिलेंडर वगैरह नहीं का सिलेंडर पेट्रोल उसके दाम बहुत कम थे। किसका लहर है अभी? लहर तो बता नहीं सकते हम, थोड़ा बहुत अंदाज होगा ना आपको? नहीं अंदाजा तो कुछ भी नहीं। क्या लहर है आपको, क्या लगता है? हमको लगता है वंचित का लहर है और पंजा का है, अभी पता नहीं क्या होंगे। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ चाहते हैं। कौन सा मुद्दा है आपके पास? बेरोजगारी, बेरोजगारी दूर करना है। हाँ तो दोस्तों अभी ये फर्स्ट चरण का चुनाव हो रहा है, आज 19 तारीख है महाराज चंद्रपुर महाराष्ट्र में। तो पहला चरण का चुनाव हो रहा है लोकसभा का, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक ने वोट दे कर आ रहे हैं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पब्लिक से बातें करते हैं यहाँ पर, आप वीडियो में बने रहेंगे कि देखते हैं किस तरह से यहाँ पर पब्लिक सब आ रहे हैं यहाँ पर वोट दे करके। तो थोड़ा सा उनकी राय फिर से लेते हैं, अभी क्या हुआ, कैसा माहौल है अभी, वोट का कितना भीड़ है इधर। तो मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक से, तो आप थोड़ा वीडियो में बने रहेंगे हमारे साथ। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं किस तरह से आ रहे हैं वोट दे करके, तो उनसे थोड़ा मिलता हूँ बात करता हूँ। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे आप। और चाचा क्या हाल है, वोट देकर आ गए? नहीं देने का, अभी नहीं दिए वोट, नहीं दिए अभी। तो चाचा देख सकते हैं किस तरह से, भैया एक मिनट आइए, वोट देने जा रहे हैं जी। माहौल कैसा है अभी? माहौल तो जबरदस्त चालू है। कैसा, किसका माहौल है अभी? माहौल तो अभी 4 जून को पता चलेगा किसका माहौल रहेगा। जैसे अभी थोड़ा सा एक अंदाज होगा ना आपको, आपके सामने दो कैंडिडेट है बीजेपी के जाए, बीजेपी के है तो भाई और रहती। अपने गाँव का आदमी मुनगंटीवार, मुनगंटीवार उनका माहौल है। चलिए भैया शुक्रिया। तो अभी अभी नहीं दिए आप वोट? नहीं जा रहा हूँ, जा ही रहे अभी देने के लिए। चलिए ठीक है भैया, बहुत मिलकर शुक्रिया। और देख सकते हैं और भी पब्लिक आ रहा है, उससे बातें करता हूं अभी। तो भैया जा ही रहे थे वोट देने के लिए, यहां पर ताई है, यहां पर कुछ बातें करेंगे वोट के लिए। काकू जा रहे हैं वोट देने के लिए? नहीं नहीं आ गए, आ गए वोट देकर। क्या माहौल है, किनका माहौल है अभी आने का आपके हिसाब से? कौन आता ना कौन नहीं मालूम नहीं, अभी मालूम नहीं, नहीं। थोड़ा भी मालूम नहीं आपको? नहीं वोट दे दिए? भीड़ कैसा है अभी वोट देने का? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है अभी। चलिए ठीक है काकू, देख सकते हैं किस तरह से बताया कि अभी बहुत भीड़ है, अभी वोट चालू है, कोई कोई आ रहा है दे करके, कोई जा रहा है दे करके, कोई अभी आ ही रहा है देने के लिए क्योंकि अभी भीड़ बहुत है। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ, अभी आपको और दिखाऊंगा पब्लिक से, कुछ बातें करूंगा और मिलाऊंगा पब्लिक को। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चाचा और आ रहा है। संडे बाबू वोट दे दिए क्या? इधर आइए इधर आइए। आपका विनोद शेंडे, क्या हाल चाल है अभी वोट का? ठीक है। किसका लहर है अभी? लहर तो बता नहीं सकते हम, थोड़ा बहुत अंदाज होगा ना आपको? नहीं अंदाजा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अंदर नहीं कैसा है। भीड़ है अभी? जून को मालूम भीड़ बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा। चलिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अंडी आप वोट दे दिए क्या? हाँ दे दिए। क्या लहर है आपको, क्या लगता है? हमको लगता है वंचित का लहर है और पंजा का है, अभी पता नहीं क्या होंगे। बदलाव चाहते हैं आप? हाँ चाहते हैं। आपके हिसाब से पीएम किसको देखना चाहते हैं? हम अब पता नहीं, दोनों में से कोई भी आए, कोई भी आए। हाँ। किस मुद्दे लेकर के आप वोट लेके गए थे, कौन सा मुद्दा है आपके पास, कोई मुद्दा है क्या? बेरोजगारी, बेरोजगारी दूर करना है। हाँ। थैंक्स तकिया आंटी, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, थैंक्स। आप वोट दे दिए ना? हाँ दे दिए। थैंक्स, चलिए मिलते हैं फिर, और देख सकते हैं और भी आ रहे हैं। भाग क्यों रहे यार? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि नौजवान साथी और मिले हैं। आपका नाम क्या हुआ? सूरज खंडागड़े। क्या नाम बोले? खंडागड़े। सूरज खंडागड़े। हाँ जी। तो अभी आप वोट दे दिए क्या? नहीं देने का हुआ। कब देंगे? अभी दूंगा, अभी उसी लिए आया अपन। अभी बूढ़े आदमी सब दे करके निकल गया, अब नौजवान है, अब पीछे है। नहीं काम में था अपन, काम में था। हाँ। तो आपको क्या लगता है अपने हिसाब से कौन आने वाले है अभी, किसका लहर है? धनोरगढ़ भाई का लहर। धनोरगढ़ भाई का है बिल्कुल। क्यों मुनगंटीवार क्यों नहीं?
उन्होंने विकास नहीं किया, विकास जातिवादी जो भी राजकरण किया वो ही किया। अच्छा, जातिवादी कर रहे हैं बिल्कुल, बीजेपी है इसलिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आपको किस मुद्दे पे, कोई मुद्दा है किस मुद्दे पे जा रहे हैं वोट देने के लिए? तुम्हारे को अभी तो मालूम ही है कि क्योंकि जो भी नौजवान है नौकरी के शोध में, नौकरी किसी को लग रही नहीं है, सब परेशान है। जो कांग्रेस का कार्ड था वहाँ पे नौकरी थी, वहाँ पे रोजगार था, जो भी था सिलेंडर वगैरह नहीं, सिलेंडर पेट्रोल उसके दाम बहुत कम थे। हाँ, बराबर है। हाँ, उसके वजह से इंसान बराबर अपना जीता था। हाँ, अभी इतनी महंगाई हो गई है और जो भी स्कूल है वो जो सरकारी स्कूल है वो पूरा प्राइवेट कर डाले। अच्छा, तो क्या करेंगे इंसान? तो आपका कहना है महंगाई है बिल्कुल, इसके वजह से बदलाव देखना चाहते हैं। तो आप 2024 में किसको प्रधानमंत्री मानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, थैंक्स भैया इंटरव्यू देने के लिए। तो आप जा रहे हैं अभी देने के लिए? बिल्कुल अभी जा रहा हूं। ठीक भैया, देखिए ये वोटिंग कार्ड लेके जा रहे, देखे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स भैया। और दोस्तों अभी और आपको बताऊँ, यहाँ पर देखते हैं आज धूप इतना है, लेकिन इस जो लोकसभा का इलेक्शन है 24 का इलेक्शन इतना ही कुछ अलग ही टाइप का है। किस तरह से इतना धूप है लेकिन पब्लिक ने रुकने की नाम नहीं ले रहा है धूप में। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पूरा यहाँ पर भीड़ मचा हुआ है। तो चाचा आपका क्या नाम हुआ? विट्ठल निवलकर। तो वोट दे दिए आप? नहीं देने का, अभी देने का मिली। तो आपको क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? अभी चल रहा है, अभी क्या बोलेंगे अपन, किसका माहौल बोलेंगे? फिर भी एक अंदाज थोड़ा सा भी आपको अपने हिसाब से, लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे ना। क्यों, आपका अधिकार है बोलने का, क्यों नहीं बोलेंगे? अपन ऐसे नहीं बोलेंगे क्या इसके ऊपर देने दे रहे करके। अच्छा, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। वो नहीं बोल रहा, एक लहर बोल रहा, ये नहीं बोल रहा कि किसको वोट दो, ऐसा नहीं पूछ रहा मैं। हाँ, हाँ। मैं बोल रहा हूँ अभी किसका लहर लग रहा है आपको, कौन आने वाला, ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे पब्लिक के बीच में आप उठते बैठते होंगे, पता चलता होगा। मुनगंटी वार्ड। ठीक है, थैंक्स भैया आपसे मिलने के लिए, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं, उससे बातचीत करेंगे तो आपको मैं दिखाते रहूँगा। हमारे साथ बिल्कुल वीडियो में बने रहेंगे। ये जो लोकसभा का इलेक्शन है ना, अभी देख सकते हैं धूप इतना है लेकिन फिर भी पब्लिक वोट के लिए आन जान कर ही रहे हैं, यहाँ पर रुकने की नाम नहीं ले रहे। सबसे पहले कह रहा है कि वोट दूंगा, उसके बाद जाकर के घर में कुछ हो, नाश्ता पानी चाय जो भी बाद में करूँगा, पहले वोट। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक चचा आ रहे हैं, उससे थोड़ा बातें करते हैं, तो उनसे थोड़ा अपना राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल चाल, आपका नाम क्या हुआ? कदीर का फरहान। वोट देकर क्या गया? क्या यहाँ पर देखिए चाचा, आप कैमरा मैन इसको दिखाएंगे थोड़ा, देख सकते हैं चाचा वोट देकर क्या आएंगे। तो आपको क्या लगता है इस पर किसका माहौल है? पंजा लहर यही है। तो आंटी आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव चाहते हैं। आप वोट देकर क्या गए? वोट दे दिए। तो किसका माहौल है आप बताएंगे अपने हिसाब से? अब देखो किसका है, फिर भी आप बताएंगे कुछ अपने हिसाब से? पंजा। थैंक यू जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भी पब्लिक लोग को वोट दे करके आ रहे हैं, और आंटी भी है इधर आइए। आपको क्या लगता है किसका लहर है अभी? अभी पंजा का दिख, पंजाही का है। हाँ। तो यहाँ पर अभी ज्यादातर देख रहा हूँ तो पंजाही 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 अभी आ रहा है, जितना भी अभी लगभग 20 लोगों से रिपोर्टिंग किया हूँ तो, लेकिन पंजाही का नाम आ रहा है। तो देखते हैं अभी, बदलाव चाहते ही है, लोगों का कहना है कि बदलाव चाहते ही है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जा रहे हैं यहाँ पर, आपका नाम क्या हुआ? अमर। अमर नाम, कहाँ जा रहे हैं अभी? वोटिंग करने। अच्छा, वोट करने जा रहे हैं अभी? दिए नहीं है? दिए, अभी जा रहा हूँ। जा ही रहे? हाँ। कस के बोलिए। हाँ अभी जा रहा हूँ। कहने का मतलब है अभी किसका लहर है? पंजा। पंजा? हाँ। पंजे वाले हैं आप? पंजा वाले। क्या आप किस मुद्दे पे जा रहे हैं देने के लिए, और कोई मुद्दा है आपको? मुद्दा किधर नहीं, सिर्फ पंजा को जाओ और घर जाओ। क्यों, आपको सुधीर भाव की नहीं? सुधीर भाव को भी, पंजे को ही देना है। पंजे को ही देना है? कुछ मुद्दा है आपका पास? क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं देने के लिए? चलिए और आ रहे हैं, आपको दिखाऊंगा अभी और कुछ, अंतिम वहां से आएंगे तो दिखाऊंगा अभी उसको। यहाँ पे भैया एक मिनट, वोट देकर के आ गए? नहीं अभी जा रहा हूँ, जा ही रहे लेने के लिए। तो भैया क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल है अभी, कुछ बताएंगे? मैं अभी आया ड्यूटी से। हाँ, अभी पता चलेगा वापस बूथ पे जा रही। फिर भी कुछ अंदाज होगा ना इस पर किसका माहौल है? दोनों का टप लग रहा है। कौन कौन? पंजाब और कमर, यानी दोनों में टक्कर है। हाँ। सबका तो अभी है, यही दोनों में टक्कर है। हाँ, दोनों में टक्कर। आपके हिसाब से? बाकी तो कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से थोड़ा सा अभी बता सकते हैं? बता सकते हैं, वो टक्कर देने के सुन रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, पंजाब में कमर में नहीं। हाँ हाँ, ये दोनों सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगा हुआ है, अभी लोगों ने वोट देने के लिए निकले हुए हैं घर से और देकर के आ भी रहे हैं कुछ, क्योंकि धूप ही बहुत है, धूप बहुत है, बहुत सारा धूप है यहाँ पर, लोगों का पसीना गिर रहा है लेकिन फिर भी वोट देकर के आ रहे हैं। अभी तक कोई मानने के लिए तैयार नहीं, बोला वोट देकर के ही जाएंगे। नौजवान भी जुड़ चुके हैं यहाँ पे, नौजवान वोट देकर के आए। तो कहने का मतलब भैया, आपका नाम क्या है सबसे पहले? सूरज नौले। सूरज नौले,
तो आप किसका लहर देख रहे हैं? वोट देखकर क्या गए? वोट देखकर क्या गए? आपको क्या लग रहा है लहर किसका इस बार, कौन आने वाला है? लहर तो चालू है दोनों पार्टियों के बीच में चालू है, यानी बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों में टक्कर है, सबका यही कहना है। लेकिन आपको कोई उम्मीद होगा या किसका लहर, आपको कुछ नजर अपने अंदाज से बताइए ना किसका लहर है? लहर तो वैसे कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, पर हम बीजेपी को देखे आ गए। आपका बात सही है, आपका आपकी इच्छा, आपका अधिकार है किसको दे, लेकिन एक लहर रहता है इसलिए आपको पूछे है, लहर किसका है इसलिए आपको मैं पूछा हूँ, अधिकार तो आप किसको भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आज वोटिंग चल रहा है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, ये देख सकते हैं सिद्धार्थ नगर वाला रोड है वो बूथ पे है। तो आज मैं यहाँ पर आया हुआ था पब्लिक से बात करने के लिए कि क्या चल रहा है। तो फाइनली आप लोगों ने वीडियो में तो देखा होगा कि किस तरह से अभी सभी ज़्यादातर बता रहा है कि पंजे का लहर है, पंजे का लहर है। जहाँ भी जो कल भी मैं वीडियो में रिपोर्टिंग किया तो पंजा पंजा ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो देखते हैं रिजल्ट के दिन पता चलेगा किसकी जीत होती है और किसकी मेहनत कामयाब होती है। तो दोस्तों आज तक लिए इतना ही, मिलता है फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, फिर कोई नया अपडेट लेकर के आऊँगा। तो आज तक लिए इतना ही।